सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। आज बायोलॉजी की नई बुक से हमारा तीसरा लेक्चर है। हमारे टॉपिक का नाम है आज का माइटोकॉन्ड्रिया, प्लूरल है, और सिंगुलर हम इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज फेड्स और प्रोटीन टूटते हैं और उसमें एटीपी निकलता है। जैसे हमारे घरों में ये जो बिजली पहुंच रही है, ये पावर हाउस से पहुंच रही है। कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंच रही है पावर हाउस से। ऐसे सेल के अंदर जब जब सेल को काम करना होता है, तब तब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाला ये ऑर्गेनल है जिसको हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है और एटीपी को यहीं पे स्टोर करता है। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हमारी हार्ट बीट कर रही होती है, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तब तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, इसलिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। और माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म हैं, उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। प्लांट हो, फंजाए हो, अल्जी हो, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप किंगडम है वो एक इकलौता है, वो मोनिरा है। क्या है? मोनिरा। बाकी चारों किंगडम्स जो हैं वो क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। और इन चारों किंगडम्स के जितने भी जानदार हैं, इन जानदारों के जो सेल के साइटोप्लाज्म हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें एक सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन होता है, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें हज़ार, सौ से लेके हज़ार भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में हो सकते हैं। ये जो तादाद है, नंबर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ये डिपेंड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी पे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हो, तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी, तो उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस होता है, अपने आप को तोड़ के बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स कोरिलेटेड विथ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो नंबर ज़्यादा होंगे। जिस टाइम आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होंगे, तो उस टाइम मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज़ होते हैं। ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोबारा रिड्यूस इनको कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। ठीक है, वो लाइसोसोम जब माइटोकॉन्ड्रिया को खाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोफेगी। और इन लाइसोसोम को क्या कहेंगे? ऑटोफेगोसोम्स। क्या कहेंगे? ऑटोफेगोसोम कहेंगे। अच्छा जी, इसको हम सेल्फ रिप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स कहते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर्स। जैसे मैंने कहा कि अपने नंबर को बढ़ा सकता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक मैंने ये रेड लाइन बनाई है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर, पहले आउटर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन पोर्स को पोरिंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरिंस। इन पोरिंस के थ्रू बाहर के कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं इस स्पेस में। ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे जब मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, अभी आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, आगे जब मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, तब इसका बड़ा काम है। तो अंदर जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली ये मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या कह रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन. तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो सारा स्पेस है, ये वाला जो पूरा स्पेस है, ये इस स्पेस को हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या कह रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. उसके बाद अगर हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो ये मैट्रिक्स मौजूद है. इसके अंदर ये क्या है? ये सारा ये मैट्रिक्स है. ये क्या है? सारा मैट्रिक्स है. इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. डिटेल में पढ़ते हैं. ये जेली लाइक होता है. इसी मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इनमें एक मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे अगर राइबोसोम होंगे तो इसको हम कहेंगे पॉलीसोम. क्या कहेंगे? पॉलीसोम. एक ही मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच होंगे तो ऐसे को हम इस टर्म को हम कहेंगे पॉलीसोम. क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स कहेंगे. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के तीन स्टेप्स होते हैं. एक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूटता है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होता है. दूसरा क्रेब साइकिल. क्या होता है? क्रेब साइकिल, जो कि मैट्रिक्स में होती है. किसमें? मैट्रिक्स में, यहाँ पे. और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इनर मेम्ब्रेन में होती है. किस पे? इनर मेम्ब्रेन में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC. और इसमें बहुत सारे ATPs निकलते हैं. ये जब हम आएंगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर बायो एनर्जेटिक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक ग्लूकोज का मालिक्यूल कितने ATP बनाता है और कैसे तीन स्टेप्स में ग्लूकोज कंप्लीट टूटता है. जब ग्लूकोज कंप्लीट टूटता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है. तो आगे हम देखते हैं, इसमें देखें, इसमें मैसेंजर आरएनए है और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, कुछ ग्रेन्स भी होते हैं और इसमें एक सर्कुलर DNA होता है. ये सर्कुलर DNA हमने कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ाया नहीं है मैंने. कहाँ देखा था? बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया में नहीं था एक सर्कुलर DNA, मैंने आपको बताया था. ठीक है. बैक्टीरिया के अंदर भी ये सर्कुलर DNA होता है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर एक और इंजाइम्स होते हैं जिसको F1 to F0 या ATP सिंथेज कहते हैं. क्या कहते हैं? ATP सिंथेज, या इसको F0 to F1 प्रोटीन के चैनल्स कहते हैं. ATP सिंथेज ये एंजाइम है एक जो ATP बनाते हैं. इसका कुछ एरिया ऐसा होता है जो ऐसे बल्जिंग एरिया अंदर की तरफ होता है और ऐसे जो है थ्रेड लाइक एरिया बाहर की तरफ होता है, इसको कहते हैं F0. यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं. और अंदर की तरफ जो है वो F1 है, जो मैट्रिक्स की तरफ हिस्सा है ये F1 है और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं F0 और ये अंदर की तरफ क्या है? F1 है. ये इंजाइम्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं और ये ATP बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ATP. ये ATP को चेंज कर देते हैं ATP में. ये शायद अभी आपको बात समझ में ना आए, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ATP सिंथेज का क्या रोल है और F0 और F1 क्या काम करता है, कैसे ATP बनाता है. शायद अभी आपको ये बात समझ में ना आए मगर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे उसमें वेरी क्लियर हम डिटेल में हम बात करेंगे. ओके. तो ये स्ट्रक्चर था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का. अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हम डायामीटर देखेंगे तो 0.5 से लेके 1 नैनोमीटर का इसका डायामीटर है चौड़ाई में. अगर हम लेंथ देखेंगे तो 10 माइक्रोन इसकी लेंथ है. कितनी? 10 माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है. समझ में आ गई बात? आगे हम इसकी मेम्ब्रेन्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है और एक है आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है. ठीक है. जो इनर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है. इनर मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है. क्या है? सिलेक्ट करके फिर मॉलिक्यूल को बहती है. मगर आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, याद रखिएगा. आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये परमिएबल है. परमिएबल हम किसको कहेंगे? आल मॉलिक्यूल पास इजीली, क्योंकि इसमें सोराख होते हैं, इसमें जो पोरेंस होते हैं इन सोराख को पोरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? पोरेंस. याद रखनी है आपने बात. आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है और अंदर वाली मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है. क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल है. अच्छा, आगे देखेंगे तो अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्डिंग बना रही है. क्या बना रही है? इनवर्ड फोल्डिंग. ये जो फोल्डिंग आ रही है ना, देखें, इनवर्ड फोल्डिंग बना रही है. इन इनवर्ड फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहेंगे, क्रिस्टाए कहें या क्रिस्टी कहें. क्या कहेंगे? क्रिस्टाए. ठीक है. तो अंदर जो फोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टाए कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? क्रिस्टाए. ठीक है. अच्छा, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है.
ठीक है, मगर इसकी कुछ ऐसी नेचर है जस्ट लाइक छन्नी की तरह, सीव लाइक है। और ये जो इसकी सीव लाइक छन्नी की तरह जो इसकी नेचर बनी है, छानी वाली कार इनकी नेचर जगह ठहे भी, इसकी नेचर जो बन रही है ड्यू टू द पोरेंस, ड्यू टू द पोरेंस, इसमें सोराख हैं, पोर्स हैं, और इन आउटर मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं इन पोर्स को हम पोरिन कह रहे हैं, और इन पोरिन की वजह से इस आउटर मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो बन रही है सीव लाइक। क्या बन रही है? सीव लाइक, वैसे स्मूथ है, वैसे स्मूथ है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग बना के, और इन फोल्डिंग्स को हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्सी, क्रिस्टाए। क्रिस्टाए को अगर आगे हम देखेंगे तो क्रिस्टाए में ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले कुछ ग्रेन्स होते हैं, इन ग्रेन्स को हम क्या कह रहे हैं? F0, F1, ठीक है। यहाँ इसको हम कहेंगे F0, F1 पार्टिकल्स, यहाँ इसको हम कहेंगे ATP सिंथेज चैनल, दे सिंथेसाइज द ATP। ये क्या करते हैं कि ये ADP को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, ये चेंज कर देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखें मैंने ऐसे बता दिया, मगर ये बड़ा काम होता है, कैसे हाइड्रोजन पंप होते हैं, कैसे ये पंखे की तरह नीचे रूटर होता है, जो F1 है ना वो ऐसे घूमता है और ADP को चेंज कर देता है ATP में। ये जब हम रेस्पायरेशन में आएंगे, जब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन की, तब मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन डिवाइड होती है, अच्छा इनर मेम्ब्रेन डिवाइड होती है दो कंपार्टमेंट में, कितने कंपार्टमेंट में? दो कंपार्टमेंट में। एक है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो बाहर वाला, इसको हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में है? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका भी बड़ा रोल है आगे सेलुलर रेस्पायरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब इसका बड़ा काम है, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो अंदर की तरफ है, और उसके बाहर इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाहर इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो दो कंपार्टमेंट हैं, एक ये मैट्रिक्स और एक ये इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बेटा? इंटर मेम्ब्रेन। एक माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन अ जेल लाइक सब्सटेंस फॉर्म इन अदर कंपार्टमेंट, दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, पोरेंस का जरा काम देख लें। पोरेंस क्या करता है? अलो द फ्री पैसेज ऑफ अ वेरियस मॉलिक्यूल इन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो पोर्स नजर आ रहे हैं, पोरेंस अलो करता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है बाहर, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ आए, और वो कहाँ पे आए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे आए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आए। तो पोरिन का ये काम है। आगे हम अगर देखें मैट्रिक्स, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया का अगर हम मैट्रिक्स देखें, अब देखें हमने बाहर का सरफेस देख लिया, अंदर हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को हमने देख लिया, हमने इनर मेम्ब्रेन को देख लिया। इनर मेम्ब्रेन जो कि सराउंड है किसके? मैट्रिक्स के। किसके? मैट्रिक्स के। मीन्स अंदर जा रहे हैं, अब बाहर से अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। जब हम मैट्रिक्स को देखते हैं तो मैट्रिक्स जेली लाइक है। मैट्रिक्स कैसे है? जेली लाइक। जेली देखिए ना, खाइए कभी, जेली की तरह मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। तो अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इस मैट्रिक्स में जब हम देखते हैं तो मैट्रिक्स में हमें सर्कुलर डीएनए मिलता है। देखा था ना वहाँ पे? yes, sir, सर्कुलर डीएनए मिलता है। यहाँ पे हमें आरएनए मिलते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सारे आरएनए मिलते हैं हमें। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर? हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर है। और 70S राइबोसोम, क्या मिल काम? 70 एस स्वीडबर्ग, एस स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम, और हमने कहाँ देखे थे? कहाँ पे? बैक्टीरिया में। कहाँ देखे थे? बैक्टीरिया में। जब 70S को हम अलग करेंगे तो लार्ज सब यूनिट अलग होगा और स्मॉल सब यूनिट अलग होगा। जो लार्ज सब यूनिट होगा उसकी स्वीडबर्ग यूनिट क्या होगा? 50, और स्मॉल का
30, शिमाल का 30, तो ये अलग अलग होके कितने बनाएंगे, 80 A's बनाएंगे। हमारे जो सेल है यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें 80 A's है, इसके अलग अलग यूनिट क्या होंगे, एक 60 होगा दूसरा 40 A's, 60 A's और 40 A's जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं 80 A's, क्या बनाते हैं 80 A's। और ये कब मिलते हैं, जब इनकी जो काम होता है यार। क्या काम है राइबोसोम का, प्रोटीन की फैक्ट्री है, जब जब प्रोटीन बनानी होती है तब ये ज्वाइन होते हैं, वैसे ये फ्री होते हैं। जब जब मैसेंजर आरएनए कहां से आता है, कहां से, न्यूक्लियस से, डीएनए से, डीएनए मैसेज देता है न्यूक्लियर पोर से, जब मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है, मैसेंजर आरएनए जैसे आता है तो लार्ज और स्मॉल यूनिट उसको चिपक जाते हैं और प्रोटीन बनाने का काम शुरू होता है, वैसे ये अलग होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड को तोड़ते हैं, जो कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, ठीक है, फैट्स को तोड़ते हैं, और भी बहुत जहाँ जहाँ से एनर्जी निकलती है उन मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। ये जो इन सब की प्रेजेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स इंडिकेट दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है, मींस सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से फ्रैक्सीनेटेड करेंगे, मींस अलग निकालेंगे बड़े केयर के साथ, और अगर आप ग्लासवेयर में लेबोरेटरी में रखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव कर जाएगा, दिस इंडिकेशन, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एक दुनिया थी, एक अलग जानदार था, माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग जानदार था, इसको यूकैरियोटिक सेल ने इनगोल्फ किया है, क्या किया है, अंदर ले लिया और उसके अंदर बस गया, किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर बस गया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन खुद बनाता है, अपनी कॉपीज को रिप्लीकेट खुद करता है। तो कभी आपसे ये सवाल पूछें, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बगैर सर्वाइव कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस है, क्या है, इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है, अब देखें, एक ये यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है, इधर आ जाते हैं, एंडोसिम्बायोंट मीन्स अ सेल लिविंग विद इन अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को मान साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक अलग सेल था मगर ये चला गया किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, एंडोसिम्बायोंट के प्रोसेस के थ्रू ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया है और यहीं पे ही रह गया, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की हम सिमिलरिटीज को देखते हैं बैक्टीरिया के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, बताएं कौन सी सिमिलरिटीज हैं, अभी हमने पढ़ी है, कौन सी, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, तीन सिमिलरिटीज हैं जो कि बैक्टीरिया की भी हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की भी है, जेनेटिक सिस्टम इसका अपना है, ऐसे बैक्टीरिया का भी जेनेटिक सिस्टम अपना है, सबको समझ में आ रही है ना बात। आगे हम इसकी पॉइंट्स देखेंगे, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मशीनरी, इनके पास अपनी जेनेटिक मशीनरी है तो बैक्टीरिया के पास भी अपनी जेनेटिक मशीनरी है। इनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया में आपने डीएनए यूं देखा होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ये सर्कुलर नहीं है मगर इसका एंड आके यहाँ पे मिलता है तो इसको भी हम सर्कुलर कहेंगे, इसी को भी हम सर्कुलर डीएनए कहेंगे। वैसे यहाँ पे मैंने कंप्लीट ऐसे सर्किल बना के ऐसे लिखा है जैसे आपको समझ में आ जाए कि इसमें सर्कुलर डीएनए है, क्या बेटा, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। तो इसमें 70 A's राइबोसोम है तो बैक्टीरिया के अंदर भी 70 A's राइबोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन विद इन ओवा, माइटोकॉन्ड्रिया ओवा के अंदर, ओवा कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग को, किसको, अनफर्टिलाइज्ड एग को, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज कैसे होता है, उसके अंदर स्पर्म आता है। अगर हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में, पहले इस जुमले को पूरा कर दें, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंड विद इन अ ओवा बट नॉट विद इन अ हेड ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म में नहीं होता, किस में होता है, अंडे में होता है। जब स्पर्म जब एग के साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से,
एक से, यानी कि मदर से, यानी कि मदर से, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ऐसे अगर हम ट्रेस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फादर साइड से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आए हैं, मगर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, मदर से। क्यों? क्योंकि एक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं, मगर जो स्पर्म है, ये शक्ल स्पर्म की है, जरा स्पर्म को एक दफ़ा देख लें। स्पर्म के तीन हिस्से हैं, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको हम हेड कहते हैं, ये हमारा स्पर्म है जो मेल के अंदर होता है, हेड है, और इसका बीच में ये मिड पीस है, नेक कह लें, मिड पीस है, और ये लंबा टेल है, ये क्या है, टेल है। अगर आप हेड को देखें, जब भी एग को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ये वाला हिस्सा जिसको एक्रोसोम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्रोसोम अंदर जाएगा, जिसको हम हेड कह रहे हैं, ये हिस्सा अंदर जाएगा, ये हिस्सा अंदर जाएगा, बाकी ये पीछे रह जाएगा। मीन्स, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया इस पर मिड पीस में है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, मिड पीस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक के अंदर नहीं जाते, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रह जाते हैं। जस्ट ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ ये एक्रोसोम, मीन्स हेड अंडे के अंदर जाता है और अंडे को फर्टिलाइज करता है, ये हिस्सा बाहर ही रह जाता है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया मेल से ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से हो रहे हैं, अंडे से, और अंडा किस में बनता है, फीमेल में। तो जब भी हमें ये बात देखनी होती है, जब भी ये हमें बात कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं, तो हम ट्रेस करेंगे तो मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, समझ गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मदर साइड से। मदर साइड से क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म के टेल के, स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और मिड पीस बाहर रह जाता है, सिर्फ एक्रोसोम ही फर्टिलाइज करता है, क्या करता है, एक्रोसोम, ये पोर्शन जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ट्रांसफर फ्रॉम मदर कहां से हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम मदर से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन देखेंगे तो इसका फंक्शन सेलुलर रेस्पायरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, क्या, सेलुलर रेस्पायरेशन। इस पे सेलुलर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सेलुलर रेस्पायरेशन के तीन स्टेप्स हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस, याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल, क्या, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा जो प्रोसेस है लास्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये होती है इनर मेम्ब्रेन में, किसमें, क्रिस्टाई में, किसमें, क्रिस्टाई में, ये हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें होता क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और ये जनरेट करती है एटीपी, क्या करती है, एटीपी जनरेट करती है, कहाँ से जनरेट करती है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है एटीपी, एक्सट्रैक्ट करती है किससे, ग्लूकोज से, फैट से, और भी मॉलिक्यूल हैं जहाँ से ऑक्सीजन मिल के इसको तोड़ के ग्लूकोज को जनरेट करती है, किसको, एटीपी को, किसको, एटीपी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा एटीपी, क्या निकलेगा, एटीपी निकलेगा, हीट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या निकलेगा, वाटर। ये ग्लूकोज जब बनी थी किस प्रोसेस में बनी थी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन के रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट यूज होती है, क्या होती है, लाइट यूज होकर ग्लूकोज बनती है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तोड़ देती है ग्लूकोज को और उससे एनर्जी निकलती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो अब आप पूछ सकते हैं।